नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल स्टूडियोज के एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं जर्नी करने वाला हूँ बोनगांव स्टेशन से कैनिंग तक, बोनगांव कैनिंग लोकल में, तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस, आ गया हूँ मैं बोनगांव स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे और ये रही अपनी ट्रेन ICF 1 के साथ बोनगांव कैनिंग, जो कि बोनगांव स्टेशन से कैनिंग तक का 121 किलोमीटर तक की जर्नी को 3.5 घंटे में कवर करती है। यहाँ से बोनगांव से इसका डिपार्चर टाइम है 10:47 और कैनिंग ये पहुँचेगी लगभग 2:15 पे। तो चलिए अब सीधा मिलता हूँ आपसे डिपार्चर में। और फाइनली ट्रेन नंबर 34062 बोनगांव कैनिंग लोकल बिल्कुल ऑन टाइम बोनगांव जंक्शन से रवाना कर चुकी है। और बोनगांव जंक्शन के बारे में बताऊं तो ये काइंड ऑफ एक इंटरनेशनल स्टेशन भी है, या बहुत कहूँ तो एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि अगर किसी को बांग्लादेश जाना है तो यहाँ पे उतर के उनको ऑटो से पेट्रापोल चेक पोस्ट तक जाना पड़ेगा, ताकि फिर उनको आगे का मतलब जो प्रोसीज्योर है कि कैसे बांग्लादेश जा सकते हैं, तो वो सब करने के लिए ऑटो से ही जाना पड़ेगा। तो उसकी भी सुविधाएँ हैं। और वैसे भी यहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन भी पास करती है जो कलकत्ता स्टेशन से डिपार्ट करके बांग्लादेश के खुलना तक जाती है। तो वो ट्रेन कौन सी है, उस ट्रेन का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये है एक छोटा सा टास्क आप लोगों के लिए। और बाकी चलिए मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट हॉल्ट चांदपाड़ा में। और वो जो लाइन आप देख रहे हो राइट साइड में, वो जाता है सीधा राणा घाट की ओर, इसीलिए बोनगांव को जंक्शन भी कहते हैं। साथ अब हम लोग पहुंच चुके हैं उमाड़ी जाटी का पहला हॉल्ट चांदपाड़ा, और ये लोकेटेड है नॉर्थ 24 परगना के गाईघाटा ब्लॉक में। और अगर आपको ट्रेन से कलकत्ता तक नहीं जाना है तो आप यहाँ से बस सर्विस भी ले सकते हो। यहाँ से NSTCHSO तो वहाँ से आप बस सर्विस भी ले सकते हो, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा गाइस आपको ट्रेन सर्विस में जाऊँ, बिकॉज आई लव ट्रेन एंड आई नो यू ऑल्सो लव ट्रेन। आप लोगों को भी ट्रेन में जर्नी करना बहुत पसंद है। और यहाँ का काली पूजा भी बहुत फेमस है। वैसे काली पूजा से याद आया, अभी धनतेरस चालू हो चुका है, आज के दिन ही मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है शनिवार को, और धनतेरस भी चालू हो चुका है, और 24 तारीख को दीपावली है, काली पूजा है। तो लोग, आप सभी लोगों को काली पूजा की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्जॉय करो, बढ़िया इन्जॉय करो, और दुर्गा पूजा के लिए भी
हाँ मैं थोड़ा लेट में ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो सॉरी, लेकिन आई होप आप सबने दुर्गा पूजा भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा, तो मेरी तरफ से शुभ भी जो है आप सब। और फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है ठाकुर नगर, जिसका स्टेशन कोड है TKNR। और बेसिकली ठाकुर नगर जगह का नाम एक्चुअली प्रमथ रंजन ठाकुर के नाम पर ही रखा गया है, जो कि हिंदू मथुआ आंदोलन के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर के प्रमुख थे। और इसके अलावा नॉर्थ 24 परगना का सबसे बड़ा फूल मार्केट यानी फूलों का मार्केट यही ठाकुर नगर में है। बस यही था कुछ इन्फॉर्मेशन ठाकुर नगर के बारे में, और अब मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट हॉल्ट बोबो डागा में। और वीडियो अभी तक अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियो में हर रोज लाता रहूँगा और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा। शायद नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन बढ़ता है, मोटिवेशन। अब हम लोग पहुँच चुके अपने जर्नी के थर्ड हॉल कोबोडांगा, जिसका स्टेशन कोड है GBG। और कोबोडांगा में है कोबोडांगा का सबसे पुराना म्यूजिकल भी, जो कि 150 साल से पुराना है। इसको मतलब स्टार्ट किया गया था 1870 में। और कोबोडांगा में इसके अलावा और नहीं है जैसे कोबोडांगा राजबाड़ी, जो कि 400 साल पुराना है। तो यही था कुछ इन्फॉर्मेशन कोबोडांगा के।
सो गाइज, बैक टू बैक दो हॉल्ट स्किप करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं हावड़ा, जिसका स्टेशन कोड है HB। और हावड़ा वैसे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस हब है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, चीज़ें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए बांग्लादेश से इंडिया या फिर इंडिया से बांग्लादेश जैसर रोड के माध्यम से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस हब है। और देखो भाई, 40 हॉल्ट्स है टोटल हमारे, हम जिस रूट पे अभी मतलब जा रहे हैं बोनगांव से कैनिंग तक, टोटल 40 हॉल्ट्स है। तो इतने सारे हॉल्ट कवर करना बहुत ही मुश्किल है यार, और मैं अभी एक घंटे का वीडियो बनाना नहीं चाहता, इसीलिए मैं मतलब कुछ हॉल्ट्स कवर करूँगा और बाकी के हॉल्ट्स रख दूँगा अगली जर्नी के लिए। मतलब ये रूट मैं अभी मतलब फ्रीक्वेंटली कवर करूँगा, मतलब एक दो बार और आऊँगा इस रूट पर, तो अब मैं बाकी के हॉल्ट्स कवर कर लूँगा। और हावड़ा से निकलने के बाद अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूंगा दत्तपुकुर में। कारशेड भी है, लोकल ट्रेन का कारशेड, और ये ट्रेन अभी वहीं जा रही है, देखिए एकदम खाली पड़ा हुआ है। और बारासात के बाहर बसेस अवेलेबिलिटी बहुत है, तो आप इजीली बस पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं, कलकत्ता के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। और इसके अलावा बारासात जंक्शन है तो लाइन अलग होती है, एक लाइन जाएगी सीधा हसनाबाद की ओर और एक लाइन जहाँ से हम लोग आ रहे हैं बनगांव जंक्शन की। और अब मैं आपसे मिलूँगा हमारे नेक्स्ट हॉल्ट मध्यम ग्राम में। Thank you.
जिसका स्टेशन कोड है MMG, और मध्यग्राम को पहले माजेर गांव के नाम से भी जाना जाता था। और मध्यग्राम में मिष्टी दोई बहुत ही फेमस है, और साथ ही साथ मध्यग्राम से आप दमदम एयरपोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि मध्यग्राम से दमदम एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है। और मध्यग्राम से आप शियालदा के मेन लाइन यानी सोदपुर तक भी इजीली जा सकते हैं। सिंपल है, मध्यग्राम से ऑटो कर लीजिए, स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा, जो कि आपको सोदपुर यानी कि शियालदा लोहियाडीह मेन लाइन जो है वहाँ तक छोड़ देंगे सोदपुर। और चलिए आपकी पार्ट कर चुके हैं, अब हम मिलेंगे जंक्शनों के जंक्शन दमदम जंक्शन। शियालदा नोईहाटी वाली लाइन जो कि मेन लाइन है, चौथी लाइन अप डाउन की डायरेक्शन से देखें तो चौथी लाइन है दमदम से कोलकाता जाने वाली सर्कुलर लाइन, या जिसको बंगाली में चौकड़ो रेल भी बोलते हैं। और एक और लाइन जहाँ से मतलब जिस तरफ हम लोग जाने वाले हैं वो विधाननगर होके शियालदा वाली लाइन। तो टोटल पाँच लाइनें भाई, पाँच लाइनें अलग होती है। और दमदम से तो मतलब आप कहीं से जा सकते हैं, बस अवेलेबिलिटी है और मेट्रो भी है, बगल में ही मेट्रो है, आप किसी कहीं भी जा सकते हो। मतलब मेट्रो से आप नॉर्थ साउथ मेट्रो आइए तो आप नॉर्थ के साइड में मतलब दक्षिणेश्वर और साउथ के साइड मतलब न्यू गोड़िया तक भी जा सकते हो इजीली भाई, तक इजीली। तो इसीलिए दमदम को जंक्शन कहते हैं। और चलिए अब आपसे मिलता हूँ, मैं विधाननगर को स्किप करने वाला हूँ, विधाननगर मैं पहले भी एक बार क्या दो तीन बार कवर कर चुका हूँ, इसलिए मैं विधाननगर स्किप कर रहा हूँ। और अब मैं आपसे मिलूँगा सर गुरदास बनर्जी हॉल्ट। और आगे में एक मैकेनिकल एक्ट पर
সর্দি কাশিতে একবারই মাথা ব্যথা হলে কপালে দুধারি ম্যাসেজ করবেন একটু নাকে টানবেন আর সর্দি কাশি মাথা ব্যথা একবার লাগাবে একবার হাঁটুর ব্যথা কোমরে ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা পড়ে গিয়ে ব্যথা খেলতে গিয়ে ব্যথা চোট লাগা ব্যথা যে কোনো ব্যথা থাকলে বলবেন দাম মাত্র ২০ টাকা ৩০ টাকা ৫০ টাকা ২০ ৩০ ৫০ সর্দি কাশি মাথা ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা কোমরে ব্যথা चलिए गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं सर गुरदास बनर्जी हॉल्ट जिसका स्टेशन कोड है SGPA और सर दौड़ आप लोगों ने तो देखा ना कैसे हम लोगों ने मतलब शियालदा जो मेन शियालदा स्टेशन है उसको मतलब बाईपास करते हुए अब हम लोग जा रहे हैं सीधा पालीगंज जंक्शन की ओर। तो ये मतलब कह सकते हैं एक बाईपास लाइन है और सर गुरदास बनर्जी हॉल्ट के मतलब नज़दीकी है ईस्ट वेस्ट मेट्रो का फूलबागान मेट्रो स्टेशन जिसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखा है। मतलब जब शियालदा स्टेशन चालू हुआ था तब मैंने शियालदा से पूरा एंड टू एंड शियालदा से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक मैंने एक वीडियो बना के रखा है। अगर आप चाहें तो मैं वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके चेक कर सकते हैं। और अब मैं मिलूँगा आपसे सीधा पालीगंज जंक्शन पर। कैनिंग कैनिंग सब हम लोग पहुंच चुके हैं पालीगंज जंक्शन यानी कि अब हम लोग आ गए हैं कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में। सोचिए हम लोग पहले थे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में और अब हम लोग आ गए हैं कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में। और पालीगंज जंक्शन के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली जंक्शन है, दो लाइन अलग होती होंगी। तो एक लाइन जाती है सीधा टाउन की तरफ से, एक लाइन जाती है सीधा बचपच की ओर माझे हाट होकर बचपच की ओर, और एक लाइन जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं सुनार। और पालीगंज जंक्शन के बारे में बात करूँ तो पालीगंज से थोड़ा आगे ये कोलकाता का फेमस मार्केट गड़ियाहाट मार्केट है और पालीगंज में भारत सेवा आश्रम का आश्रम भी है। और बस और हाँ, अगर दुर्गा पूजा के टाइम पे अगर आप लोग ऑब्वियसली अगर एक डालिया धारा दशोप्रिय पार्क अगर ये सब घूमने ये सब पंडाल घूमने आए हो तो आपको पालीगंज स्टेशन अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको पालीगंज स्टेशन पर ही उतरना पड़ेगा, फिर आप लोग यहाँ से जा सकते हो एक डालिया और देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लाइन मतलब बचपन वाली लाइन यहाँ से अलग होती है। वो देखिए राइट साइड वाली जो लाइन ट्रैक जा रही है वो जा रही है सीधा माझे हाट होकर बचपन, और हम लोग का ट्रैक एकदम सीधा है जाएगी सीधा। चलिए
अब मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट हॉल्ट जादवपुर। अब हम लोग पहुँच चुके हैं नेक्स्ट हॉल्ट जादवपुर, जिसका स्टेशन कोड है JDP। और जादवपुर जगह का नाम रखा गया था राजा जादव नारायण के ऊपर। और जादवपुर में वैसे 8B बस स्टैंड है, जहाँ से आप कोलकाता के हर जगह के लिए बसें मिल जाएंगी। और साउथ सिटी भी जाना हो तो आपको जादवपुर से भी जा सकते हो। और जादवपुर में बहुत फेमस जादवपुर यूनिवर्सिटी। और वो दिलखुश कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब वो एक्चुअली में बोलते हैं माइसोर पार्क, लेकिन यहाँ पे कोलकाता में इसको दिलखुश के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मतलब बढ़िया मिठाई है, वो खा के एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और चलिए अब आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट हॉल्ट न्यू पुरी। सो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट न्यू बोड़िया, जिसका स्टेशन कोड है NGRI। और न्यू बोड़िया वैसे कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का लास्ट स्टेशन है। और अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि बगल में ये मेट्रो स्टेशन भी है। तो वो एक्चुअली वो मेट्रो स्टेशन जो है वो कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन है, या न्यू बोड़िया मेट्रो स्टेशन। मतलब यहीं से जो है नॉर्थ साउथ लाइन मतलब ओरिजिन होती है। यहीं पे मेट्रो कारशेड भी है नॉर्थ साउथ का। तो बेसिकली जो दक्षिणेश्वर वाला मेट्रो है वो यहीं तक आती है, न्यू बोड़िया तक। और इसके अलावा न्यू बोड़िया से प्लानिंग चल रही है कि न्यू बोड़िया से एयरपोर्ट के लिए भी एक नए मेट्रो लाइन का मतलब काम चल रहा है। तो चलिए अब आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट हॉल्ट बोड़िया। और हाँ, ये न्यू बोड़िया मतलब कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का लास्ट स्टेशन है। और अब बोड़िया स्टेशन से हम लोग आ जाएंगे सीधा साउथ 24 परगना। चलिए मिलता हूँ आपसे बोड़िया स्टेशन। Yeah.
तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके अपने नेक्स्ट हॉल्ट गड़िया, जिसका स्टेशन कोड है GI, और ये साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टेशन है। सोचिए, हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था नॉर्थ 24 परगना के बनगांव स्टेशन से, फिर आया पालीगंज कोलकाता डिस्ट्रिक्ट, और अब आया साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। मतलब टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट अभी तक हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया था। डिस्ट्रिक्ट तो ये भी शुरू हुआ है। तो भाई लोग, ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए क्या करना होगा, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और गाइज, लगभग 92 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोनारपुर जंक्शन। और सोनारपुर में लोकल ट्रेन का एकमात्र, मतलब शियालदा साउथ में लोकल ट्रेन का एकमात्र कार शेड है सोनारपुर में। और सोनारपुर में, इसके अलावा सोनारपुर में शरद चंद्र बोस जी का घर, जो कि आप सभी को पता है शरद चंद्र बोस कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के भाई। और सोनारपुर जंक्शन है तो लाइन यहाँ से अलग होती है, एक लाइन जाएगी सीधा बारुईपुर की ओर और एक लाइन जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं कैनिंग जंक्शन की।
তো ভুল হবে এখন মোটামুটি ঠিক আছে और देखा आप लोगों ने, इस तरह का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और वैसे हम लोग अभी पहुंच चुके हैं चंपाहाटी में, और चंपाहाटी में फेमस है यहाँ का पटाखे, क्योंकि पटाखों का एक बहुत बड़ा होलसेल मार्केट भी है यहाँ पर। और वैसे तो ट्रेन में पटाखे लेना बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है, बहुत ही रिस्की है। और चंपाहाटी से आप मैजिक गाड़ी से इजीली जा सकते हैं बाड़ुईपुर की तरफ, मतलब जो लाइन देखा ना सोनारपुर से अलग हुआ था, वो बाड़ुईपुर, वहाँ तक आप लोग चंपाहाटी से भी जा सकते हैं। और अब मैं आपसे मिलूँगा घुटियाड़ी शरीफ में। মিষ্টি কমলা হবে ঠান্ডা দেবো ফলা দুড়া গায়েবে দুড়া গায় জল দেবো জল ফলা কমলা খাবে দুড়া খাবে ফলা মিষ্টি কমলা হবে ফলা দুড়া গায়েবে দুড়া গায় ফলা কমলা খাবে মিষ্টি কমলা হবে ফলা দুড়া গায় ফলা কমলা খান দুড়া গায় ফলা দুড়া গায় ছেড়ে দুড়া গায় বলা কমলা বে মিষ্টি কমলা বে আমি একদিন দেখলাম বক্সে বলে দুড়া গায় 10 টা করে এই যে পুরো ছড়িয়ে আছে কমলা খাবে একদম গরম গরম ডাক্তার খাবার বলুন
গরম বা দিলবোস আমি খাবো আমার দিলবোস আমার মাথা দিলবোস तो और गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं घुटियाड़ी शरीफ, और घुटियाड़ी शरीफ में है घुटियाड़ी शरीफ जामा मस्जिद। और सुना है यहाँ पे मतलब श्रावण के महीने में पर्टिकुलर डेट में, अब वो डेट मुझे याद नहीं है, श्रावण के महीने में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है, और रेलवे घुटियाड़ी शरीफ के लिए स्पेशल ट्रेनें भी देती है उस टाइम पे, मतलब श्रावण के महीने में जो जिस टाइम पे मेला लगता है, वो पर्टिकुलर डेट मुझे याद नहीं आ रहा। और अब मैं आपसे डायरेक्ट मिलूँगा सुंदरवन के प्रवेश द्वार और हमारे डेस्टिनेशन कैनिंग में। अब मैंने ऐसा क्यों कहा सुंदरवन का प्रवेश द्वार, इसलिए क्योंकि कैनिंग से ही आप इजीली सुंदरबन जा सकते हो, कैनिंग से ही आप जा सकते हो सुंदरबन। और मैं तो कहूँगा अगर आपको सुंदरबन जाना है तो बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन, ट्रेन से आप कैनिंग चले जाइए, कैनिंग तक वहाँ से आपको सुंदरबन के लिए लॉन्च वगैरह ये सब मिल जाएंगे, क्योंकि हाँ नदी के रास्ते ही जाना पड़ेगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगा हमारे डेस्टिनेशन कैनिंग में। Thank you.
तो गाइस निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन कैनी। तो गाइस 121 किलोमीटर की जर्नी 3.5 घंटे में ख़त्म कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना भाई, क्योंकि उससे मोटिवेशन बढ़ता है यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।